प्रशासन वालों जो इतों जो कूड़ा इतों चक्कन की जी कोशिश की गई उतों किस तरह विरोध कर रहे हो तुम? सर जी साडा 10 दिन हो गए हड़ताल चलते हैं, साडा ये असी 20 साल हो गए सानू ठेके सिस्टम से लगे हुए, असी कहने सानू रेगुलर किया जाए, साड़ी 8-8 7-7 हज़ार तनखा अजकल की महंगाई के हिसाब न जो महंगाई की सरकार ने साडा नहीं सरदा, साड़ी इन्नी क मंग आ भी सरकार सानू रेगुलर किया जाए, सानू रेगुलर किया जाए, असी शहर नू साफ सुथरा रखावे, इतों की सानू गुंडे की धमकी दी जाती है तो साढ़े काम के आखो जी तर सामने कूड़ा साड़ी जो रोजी रोटी आ असी साफ सफाई करने वाले बंदे हाँ सानू रेगुलर किया जाए असी आप शहर साफ करा। जो महामारी करोना आई थी पिछले मार्च में सारा सारे ही मतलब के सरकार का कहना मनिया से असी जो कि एक बंदा गली च वड़ना मना सी असी खुद खुद घर जाके नालियां कटियां घर का कूड़ा चक्या, असी शहर वासियों का बहुत साथ दिता, उदों साढ़े की रिक्वेस्ट आ हूँ भी साढ़े फरीदकोट के शहर वासी साडा साथ देण जो कि गरीब बच्चों रुजगार रुजगार मिला जाए। देखो साफ सफाई लैके जो देखिए तो शहर का काफ़ी बुरा हाल है, अगर प्रशासन आपके लैवल से इसको कराता तो इस किस तरह का विरोध है? देखो जी ये साडा विरोध है जी, जे सरकार मनमणिया करती तो करती आई है वो साडा विरोध आ, असी तो फिर पहला भी कहने भी सानू साढ़े हक दिते जाण असी तो हुणे काम करन लग जांगे जी, पर सानू की है लक्कड़ दा मुंडा दिता ना रोन जोगा ना हसन जोगा। कल भी एक जिहड़ी विधायक वल्लों तुहानू अपील की गई सी कि हड़ताल खत्म करके जिहड़ा इसनू सफाई व्यवस्था नू सही किया जाए, वह सर जी सब धमकियां दिंदे आ जी, सानू धमकी दिते असी ऐ कर देंगे यों कर देंगे, पर जदों किरती लोग लड़दे आ तुसीं भगत सिंह दे टाइम देख लो जो देश आजाद होया सीगा भगत सिंह ने भी भगत सिंह साथियों ने भी विरोध किया सीगा देश आजाद करने, ये सर जी चलता आ रहा शुरू तो यह चलता आ रहा, असी जी मरन नू तैयार हाँ, सब तो पहला ट्रैक्टर जेसियां साढ़े उत्ते चढ़ाउण साढ़े उत्ते चढ़ाउण जी, असी पूरा विरोध करांगे। सर समझौता असी शहर वासियों नू मुख रख के किया, समझौता यह है भी असी कल स्पैशल हूँ पंजाब के साढ़े पंजाब प्रधान जी आ जाएंगे शाम को, असी उन्होंने मीटिंग भी होगी साड़ी फोन के उत्ते गल भी हो जानी है, असी कहता उन्होंने भी इन्होंने प्रशासन भी असी विश्वास दाता भी उन्होंने कहता सूँ भी सवेरे असी कूड़ा इकट्ठा करा देंगे। सर लगातार 10 दिन तो पिछले 10 दिन तो स्ट्राइक पर बैठे हो, तुहाड़ियां मंगां नू लैके सरकार नू वल्लों कोई आश्वासन दित्ता गया? बिल्कुल नहीं जी, सरकार ने तो सानू लारी दित्ती जी, कुछ नहीं दिता सूँ। किस गल पर हूँ आप जी स्ट्राइक आप खत्म कर जा रहे हैं? नहीं जी स्ट्राइक खत्म नहीं है जी, सिर्फ शहर वासियों मुख रखते असी सिर्फ डंप उत्ते कूड़ा इकट्ठा करना ना कि चकना जी। मीटिंग है कल उन्हें इन्होंने कहा भी कल असी सारा फरीदकोट का जरा कूड़ा हैगा एक उन्होंने डंपा के उत्ते इकट्ठा करा देंगे, जो पंजाब मीटिंग होगी उनका जो फैसला होगा उस पर अभी फॉलो कराऊंगे। सर कूड़ा चक्के जाने लैके भी कोई किसी तरह समझौता बनी बनी नहीं चुकाते तो कल मीटिंग है इन्हों की उनके जो फैसला होगा उस पर डिपेंड करूंगा। सर इस अलावा जी इन्होंने लगातार हड़ताल की जा रही है और प्रशासन वालों उन्हों दी मंगा ते जरा दसा जा रहा कि गौर किया उसनों सरकार तक पहुँचाने कोई तुहाडे वल्लों कोई हो सकता इन्होंने पहला कोई मंग पत्र सरकार को भेजे हो मैं तो हजे हुण ज्वाइन किया मेरी नॉलेज नहीं है।